ये गुस्सा है अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को उजड़ते देखने का, ये दर्द है बेघर होने का। कोई बुलडोजर के आगे खड़ा तो कोई टूटते मकान से निकलने को तैयार नहीं है। बस एक ही सवाल है, जिस घर में कई सालों से रह रहे थे, जिस घर के लिए जीवन भर की गाड़ी कमाई लगा दी, एक दिन में वो घर कैसे गैर कानूनी हो गया। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर की ओर देखिए, दीपक ऊपर दिखाइए, दीपक ऊपर वो खिड़की पे दिखाइए, वहां पर लोग मौजूद हैं। और वहां पर उस बिल्डिंग में नीचे जहां पर बुलडोजर नीचे चलाया जा रहा है, ऊपर आप देखिए लोग घरों पर मौजूद हैं। यानी चूंकि सालों से यहां से लोग रहते चले आ रहे हैं, सालों साल से यहां से लोग रहते चले आ रहे हैं, उनका कहना है कि उनके पास रजिस्ट्री है। ये हंगामा दिल्ली के महरौली इलाके में बरपा है, जहां डीडीए के बुलडोजर सालों से बनी बस्ती को तोड़ने पहुंचे। डीडीए का कहना है कि मकान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन पर बने। डीडीए इन इमारतों को अवैध बता रहा है, जबकि यहां के निवासी कह रहे हैं कि हमने जमीन की रजिस्ट्री करवाई है, एमसीडी को टैक्स दिया। अगर ये इमारत अवैध थी तो फिर रजिस्ट्री कैसे हुई? हम अपना घर बचाने के लिए बैठे यहां पे। देखिए मेरे पास यहां पे डॉक्यूमेंट जो हमने खरीदा, तब हमने पूरा एक वेरीफाई कर दिया, जिस वजह से बैंक ने भी हमें लोन दिया। सारा लीगल प्रोसीजर आपने किया। ये 1987 की डीड है मेरे पास, जो चेन बोलते हैं जिसको, ये 11 चेन है मेरे पास। मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा, इसमें डेट लिखा है, स्टैंपिंग चार्जेस भी लिखे हैं। ये सारा कानूनी कागज है, हमारा तो घर का नहीं है, या आपकी किसी दुकान से तो खरीद नहीं सकते हैं इस चीज को। क्या हो रहा है? अचानक शाम को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सुबह आप बस्ती खाली करो, हमारा लिफ्ट बंद हो जाता है, लाइट कट जाती है, हम ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, तो हम कमरे कैसे खाली करेंगे? बिल्डर कहाँ है हमारे साथ? हम लोग अकेले हैं यहाँ पे। बिल्डर क्यों नहीं आए अभी तक? कोई फोन नहीं कर रहा है, आना चाहिए। और पब्लिक क्या करे? बिल्डर चोर है। बकायदा अपना प्रॉपर्टी, अपना लोन लेकर हम यहाँ घर खरीदे, आपको मोटेशन करवा रखे, प्रॉपर्टी टैक्स भरा है, बिजली बिल।